प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी सीख रखा है, पढ़ रखा है, अब उसके प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन। करा चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर डिफरेंस जब 15 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल बचता है। अब अगर आपसे 4 डिजिट का अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर पूछूं तो आप क्या लिखेंगे? 9999। और कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का तो आप क्या लिखेंगे? 1000। अब कह रहा है कि इनके डिफरेंस को, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 8999। करा डिफरेंस को 15 से डिवाइड किया जाए तो इसे हम क्या करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे। अब 15 पचे 75 कितना बचा? यहाँ से 14, 15 नवा 135। अब यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 1, यहाँ से कैंसिल, ये 9, 15 नवा 135, यहाँ से कितना जाए? अब हमसे यही पूछा है कि शेषफल बचता है, रिमाइंडर। हमसे क्या पूछा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 14। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। करा 11 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 12 शतक माइनस 1000 के बराबर है। अब बात बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले क्या कर रहा है? 11 इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है? वन। अगर 11 वन की मैं बात करूं तो क्या आप लिखोगे? 11 लिखोगे। फिर कह रहा है कि 10 दहाई। दहाई का मतलब क्या होता है? 10। और 10 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप क्या लिखोगे? 100। करा 12 शतक। शतक का मतलब क्या आता? 100। और 100 में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे? 1200। हो गया। अब इनका क्या कर रहा है? सम कर रहा है। इनका क्या कर रहा है? सम। तो हम इनका सम कर देते हैं। सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लिखेंगे 1311। फिर कह रहा कि माइनस 1000। अब इसमें से 1000 को आपको क्या करना? माइनस कर देंगे। यहाँ से कितना जाएगा? 3111। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। करा 15, 20 और 25 के सबसे छोटे सामान्य गुणक और उच्चतम सामान्य गुणनखंड के बीच का अंतर पूछा है। बेटा अगर सामान्य गुणक, सबसे छोटे सामान्य गुणक की बात करें तो सामान्य, सबसे छोटे सामान्य गुणक का मतलब होता है LCM। क्या होता है? LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और करा उच्चतम सामान्य गुणनखंड की बात करेगा तो आप हमेशा क्या लिखोगे? HCF। क्या लिखोगे? HCF। अब इनके HCF और LCM में हमें डिफरेंस ढूंढना है। इनके LCM और HCM में क्या देखना? डिफरेंस देखना है। अब वो नंबर कौन कौन से हैं तो आप देखो, 15 है, 20 है और 25 है। अब अगर मैं इनके LCM की बात करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं अगर चेक करूं, यहां से सबसे पहले हम किसे करें? 5 से। यहां हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। फिर आप 3 से कर लो,
तो यहाँ वन, यहाँ फोर, यहाँ फाइव, यहाँ हम फोर से कर लें तो यहाँ से वन, वन और फाइव, और यहाँ से हम अगर फाइव से कर लें तो वन और वन। ये तब तक करते हैं जब तक नीचे हमें क्या है, एक ना आ जाए, वन ना आ जाए। तो अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो फाइव इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। अगर इनका एलसीएम देखा, पाँच तीन पंद्रह चौके साठ पचे तीन सौ, मतलब एलसीएम कितना आ गया, 300। एलसीएम कितना आ गया, 300। ठीक, आप एलसीएम को एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब हमें यही नंबर लिखा है ना 15, 15 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिखें, 3 इंटू फाइव। अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 को आप क्या लिख सकते, 2 इंटू टू इंटू फाइव। और 25 की बात करें तो आप क्या लिखो, 5 इंटू फाइव, हो गया। अब इसमें देखना, हम सबसे बड़े नंबर को, सबसे बड़े नंबर को क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या, 25। सबसे बड़ा नंबर क्या, 25। अब देखना मेरी बात, समझना ध्यान से। अगर मैं 25 की बात करूं तो आप 25 बड़ा नंबर, आपने उसको लिख दिया, मान लिया कि एलसीएम है। अब देखना, अगर मैं 20 की बात करूं तो देखना, 20 में 5 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, बचा क्या है, 2 इंटू टू, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब यहां देखना, इसमें 15 में 3 इंटू फाइव, 5 ऑलरेडी यूज हो चुका, बचा कितना, 3। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 25 चौका 100 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 300। तो आप एलसीएम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बातें क्लियर। अब हमसे क्या पूछा, एचसीएफ। तो एचसीएफ की मैं बात करूं तो एचसीएफ आप क्या देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए, 15 का आपने फैक्टर किया 3 इंटू फाइव, 20 का फैक्टर किया 2 इंटू टू इंटू फाइव, 25 का 5 का आपने फैक्टर किया 5 इंटू फाइव। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, तो आप कहेंगे कि तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, 5। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 5। अब इनसे हम, इनमें हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, क्या पूछा, डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, तो 300 में 5 को माइनस कर देंगे, 295। तो इनका डिफरेंस कितना है, 295। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21,171 प्राप्त करने के लिए उत्पाद 201 इंटू 105 में क्या जोड़ना चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि 201 इंटू 105 का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम क्या जोड़ें, क्या ऐड करें कि हमें ये वाला नंबर मिल जाए, हमें ये वाला नंबर मिले। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनको क्या, ये 201 है ना, क्या 201 को 200 प्लस 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत। अब इसमें मल्टीप्लाई किसे कर दूँ, 105 से। अब देखना, 105 का 1 में करूँगा तो 105 प्लस, अब 105 का 200 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 210 और ये 00। अब इसको मैं ऐड करूँगा तो लिखूँगा 21105, हो गया। अब कह रहा है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये नंबर हमें मिल जाए, तो इसमें से, अब देखना मेरी बात समझना, इसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर तो वो नंबर क्या, 2171 में से 21105 को हमें क्या करना, माइनस करना। अब देखो, 11 में से 5 माइनस करोगे 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ था, यहाँ एक दे चुके हैं, तो यहाँ बचा 6, ये आपस में कैंसिल। तो हमें क्या ऐड करना होगा, 66। बातें क्लियर है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो,
हमें क्या करना है, वन लाना यूनिट प्लेस पे। अगर मैं फोकस करूँ तो यहाँ पे हमें यूनिट प्लेस पे क्या दे रखा, वन दे रखा, और ये नंबर हमें यूनिट प्लेस पे क्या दे रखा, फाइव दे रखा। बेटा फाइव में कौन सा नंबर मैं ऐड कर दूँ कि यूनिट डिजिट पे वन आ जाए, तो आप कहेंगे कि सर फाइव में अगर आप सिक्स को ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें, सिक्स को ऐड कर दें, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो आप जो भी नंबर ऐड करोगे उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए। ऑप्शन ये भी नहीं, ऑप्शन ये भी नहीं, और ऑप्शन बी। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा एक स्कूल में 1260 छात्र हैं, जिनमें से दो तिहाई लड़के हैं और बाकी लड़कियां। अगर टोटल स्टूडेंट की बात करें तो कितना है, 1260, इसमें करा दो तिहाई लड़के हैं। अगर मैं लड़कों की बात करूं दो तिहाई, तो आप क्या लिखेंगे, 1260 दो बटा तीन। तो लड़कियां कितनी हैं, वन बाय थ्री, और बाकी लड़कियां। फिर लड़कों की संख्या का तीन चौथाई, लड़कों की संख्या का तीन चौथाई। अब ये जितने लड़के हैं इनके तीन चौथाई खिलाड़ी हैं, और लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का भी आधा हिस्सा खिलाड़ी। विद्यालय में ऐसे छात्रों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। अब मेरी बात समझना, हमसे उनकी संख्या पूछा जो खिलाड़ी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान समझना, करा लड़कों की संख्या का तीन चौथाई खिलाड़ी है। अगर बेटा लड़कों की संख्या का तीन चौथाई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी कौन नहीं है, तो आप कहोगे एक चौथाई, तो मतलब इसका वन बाई फोर, ये खिलाड़ी नहीं है। और लड़कियों की संख्या का भी आधा हिस्सा खिलाड़ी है। अगर उनका आधा हिस्सा खिलाड़ी है तो खिलाड़ी कौन नहीं होंगे, बचे हुए आधे हिस्से, बचे हुए आधे हिस्से। अब इनको सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ से टू से कैंसिल होगा, टू बार में ये टू से इसे कैंसिल करोगे, छः दूना बारह यहाँ से, और फिर थ्री से कैंसिल करोगे 210, ठीक। इसे देखो यहाँ तीन से कैंसिल करेंगे, तीन चौके बारह, तीन दूना छः, और यहाँ जीरो से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 210 हो गया। अब टू से कैंसिल कितना, 210। अब हमें पता चल गया कि लड़कों में कितने खिलाड़ी नहीं हैं, 210, लड़कियों में कितनी खिलाड़ी नहीं है, 210। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना, 420। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 420। मतलब 420 लड़के, मतलब 420 टोटल छात्र ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 9/4 में कितने 3/8 होते हैं। मेरी बात ध्यान समझिएगा, जैसे मैं पूछ लूं आपसे कि मान लीजिए 12 लिखा है, 12 लिखा, इसमें कितने दो हैं, बारह में कितने दो हैं, तो आप बेटा क्या करोगे, सीधे 12 में दो से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, 6। अब ध्यान से देखो, अगर 2 को हम 6 बार ऐड कर दें, 2 को हम 6 बार ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 12 मिल जाता है। तो मतलब 12 में 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 6 बार। तो उसी तरह पूछा कि 9/4 में 3/8 कितने है? तो आप क्या करेंगे, 9/4 में डायरेक्ट 3/8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, अब जैसे 9/4 पूरे में किससे डिवाइड कर, 3/8 से। अब देखना, अगर 3/8 से डिवाइड करने हैं तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9/4 इंटू 8/3 हो गया। अब 3 से इसे कैंसिल करेंगे 3 बार में, और 4 से इसे कैंसिल करेंगे 2 बार में, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 6,
मतलब इसमें 3/8 कितने हैं? तो आप कहेंगे 6। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का वजन टमाटर के वजन से कितना अधिक है? तो हम क्या करेंगे, प्याज के जितना वेट है उसमें से टमाटर का वेट माइनस कर देंगे। तो प्याज का वेट कितना? 3.650। टमाटर का कितना? 1.800। माइनस कर दो, यहाँ 0.5, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8, और यहाँ पॉइंट, यहाँ 2 में से 1 जाए, 1.850। ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कारा मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर जमीन पर 225 किमी दर्शाता है। यदि दो शहर जमीन पर 1800 किमी दूर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या, दूरी क्या है? अब देखिए मेरी बात समझ। अब कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर जमीन, मानचित्र पे जमीन को कितना दिखाता है? 225 किलोमीटर के बराबर है, यही दे रहा है। अगर मैं इधर भी 2 से, अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप याद देखो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1 सेंटीमीटर में हम कितने 450 किलोमीटर जमीन दिखा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में हम 450 किलोमीटर जमीन दिखा सकते हैं। अब देखना पूछा कितना, 1800। अगर 1800 पूछा है तो आप ध्यान से देखो ये इसके कितने गुने, तो आप कहेंगे 4 गुने के बराबर होगा। कितने गुने के बराबर होगा? 4 गुने। तो बेटा इसका भी 4 गुना हो जाएगा, तो इसका भी 4 गुना करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। मतलब 4 सेंटीमीटर में हम पूरे 1800 किलोमीटर को क्या दिखा सकते हैं। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कारा 7 सही 1/2 दिन में मिनटों की संख्या सेकंड की संख्या के बराबर है, सेकंड की संख्या के बराबर है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, हमसे क्या कह रहा है, 7 सही 1/2 दिन की बात किया। अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर में, तो आप क्या लिखेंगे, 7 × 14 = 15/2 हो गया। अब दिन में मिनट की संख्या पूछा, तो इस दिन, एक दिन में कितने घंटे होते, 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 हो गया। अगर इसे मैं सिंपलीफाई करूं, ये हो जाएगा 12, अब 12 में 15 का मल्टी 180 गुड़े 60, 20 तो ऐसे लग जाएंगे, 18 × 6 = 108। मतलब 7 सही 1/2 दिन में 10,800 मिनट होंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि संख्या सेकंड की संख्या के बराबर, हमें ऑप्शन दे रखा है 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4.5 घंटे, 4 घंटे। अब देखे ट्राई करते हैं, अब ये 3 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 60। अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखो 20 तो ऐसे लग रहे हैं, 6 में 6 का करेंगे 36, और 36 × 3 = 108, मतलब यहाँ भी आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर आपसे पूछे कि 7 सही 1/2 दिन में मिनट की संख्या कितने सेकंड में, मतलब सेकंड की बराबर कब होगी, तो आप कहेंगे 3 घंटे में वह सेकंड, जितना सेकंड होगा उतना 7 सही 1/2 दिन में मिनट होंगे। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं।
अब अगला क्वेश्चन, करा 30 सेमी भुजा वाले घनों की संख्या जिन्हें 7.2 मीटर, 5.4 मीटर, 1.8 मीटर माप वाले एक घनाकार बॉक्स में फिट किया जा सकता है। अब मेरी बात सुन, जैसे मैं कहूँ ये मान लो कोई बॉक्स है कुछ ऐसे, ये बॉक्स है। अब इसमें कह रहा है कि हमें 30 सेंटी भुजा वाले घनों को रखना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इस बॉक्स का क्षेत्रफल मतलब इस बॉक्स का आयतन वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस एक घन का वॉल्यूम निकाल और इस पूरे घनाभ जो हमें बॉक्स मिला है इसमें इसके वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, घन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बॉक्स की मतलब कितने बॉक्स उसमें फिट हो सकते हैं। अब देखना, तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालने से पहले इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, यह सेंटीमीटर में यह मीटर में, तो 7.2 मीटर में अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो आप लिखोगे कितना, 7.2 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर सब, तो आप लिखोगे 720 सेंटीमीटर। अब 5.4 मीटर में तो आप इसे लिखोगे 5.4 इंटू 100, तो आप क्या लिखोगे 540 सेंटीमीटर। अब इसी तरह क्या है 1.8 मीटर, तो आप क्या करोगे 1.8 इंटू 100, तो आप लिखोगे 180 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या निकाल, बॉक्स की वॉल्यूम निकालना होगा, तो बॉक्स का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, अब देखना, अगर मैं बॉक्स के वॉल्यूम की बात करूं तो आप बॉक्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 720 इंटू 540 इंटू 180 हो गया। अब इसके वॉल्यूम को हमें घन के वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना, तो घन का वॉल्यूम क्या होगा, 30 इंटू 30 इंटू 30। अब देखो 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे कितनी बार में, 24 बार में, यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, 18 बार में, और यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे 6 बार, हो गया। अब आपस में मल्टीप्लाई करना, अब देखो 24 इंटू 18 इंटू 6। अब हम पूरा डिटेल में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखना मेरी बात सुनना, 4 में 8 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 32, और 2 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, मतलब जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन कौन सा है, अगर आपका मन है तो आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 18 4 72 के 2 हाथ में लगा 7, 18 2 36 और 36 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 43, और इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 12 के 2 6 3 18 1 19 और 6 4 24 25। ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, करा अंग्रेजी अक्षर यच और ई में समकोणों के कुल संख्या कितनी होगी। अब देखना, अब जैसे ये यच बना है ना, अब अगर इसमें हमें राइट एंगल या समकोण ढूंढना, तो आप देखो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, तो यहाँ टोटल कितने बन गए, 4। इसी तरह क्या करें, ई की बात कर रहा है, ई में आप देखो, अगर ई में अगर हम समकोण की बात करें तो आप देखना, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ भी कितना बनेगा, 4, दोनों मिलके कितने बनेंगे, 8, तो कितने समकोण बनेंगे, 8। आगे चलते हैं, अगला देखो, करा एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की दोगुनी है, तो आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर,
तो हमसे वर्ग का क्या दे, पेरीमीटर दे रखा है। तो वर्ग के अगर पेरीमीटर की बात करें तो आप क्या स्क्वायर है। अगर स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, तो आप ये लिख देना 4 into side। ये आपको कितना दे रखा, 120। तो 4 हम साइड को मान लेते हैं, x इंटू कितना 120 के, इससे इसे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो मतलब इसकी साइड कितनी आ गई, 30 आ गई। अब अगर एरिया की बात करूं, इसके एरिया क्षेत्रफल की बात करूं, तो एरिया मैं क्या लिखता हूं, मतलब साइड का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 30 into 30। यहाँ से फाइनल कितना जाएगा, 900 आ गया। अब करा आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की दोगुनी है। अगर आयत रेक्टेंगल की मैं बात करूं, अगर इसके लेंथ की बात करूं, तो कह रहा है क्या कि मतलब वर्ग की भुजा की दोगुनी है। तो मतलब वर्ग की भुजा 30 है, तो 30 into 2 कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब इसका पेरीमीटर, तो इसके पेरीमीटर क्या होंगे, तो 2 L + b कितना दे रखा है, 156 कितना दे रखा है, 156। और हमें लेंथ पता है, तो हम क्या इस L की जगह, इस L की जगह हम क्या लेंथ लिख दें, तो 60 plus। अब देखो 2 से कैंसिल करेंगे इसे, तो इसे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 14 8 × 16। तो अगर B की बात करें तो हम लिखेंगे 78 - 60, यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 कितना आ जाएगा, 18 हो गया। हमें बी भी पता चल गया। अब इसके एरिया की बात करें, तो एरिया हम क्या लिखते हैं, तो एरिया लिखते हैं L इंटू बी। अब L इंटू बी, L हमारा कितना 60 और B कितना है 18। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080। ये हमें पता क्या चल गया, एरिया पता चल गया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस हमसे पूछा है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर कितना है। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दें, 1080। अब माइनस करेंगे कितना, 180 cm². ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में 25 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने 55 और 75 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पे 68 दे रखा है, 78 56 62 71 72 58, इधर आ जाए, ये 64 64 57 57 और 62, यही लोग हैं जो 55 से और 75 के बीच में। अब देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कितने लोग हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो 55 और 75 के बीच में नंबर मिला है। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित तालिका में एक दुकान द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और गुरुवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या और शुक्रवार और बुधवार को बेची गई किताबों की कुल संख्या के बीच का अंतर पूछा। तो अब देखिए, संडे की अगर मैं बात करूं, तो संडे को कितनी किताब बेचा, रविवार दे रखा ना, संडे को 65। मंडे को कितना बेचा, तो मंडे को आप कहेंगे
40। फिर करा गुरुवार, गुरुवार को थर्सडे को कितना बेचा तो आप कहेंगे 20। तो ओवरऑल कितना बेचा किताब हुआ तो आप कहेंगे 125। कितना कहेंगे 125। फिर करा शुक्रवार और बुधवार, शुक्रवार को कितना बेचा हुआ फ्राइडे को तो आप कहेंगे 70। फिर कह रहा है बुधवार को, वेडनेसडे को कितना बेचा ये 50, यहाँ से कितना आ जाएगा 120। अब आपसे पूछा कि किताबों की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना, डिफरेंस हमसे पूछा तो डिफरेंस कितने का 5 का। ऑप्शन कौन सा ए, ऑप्शन कौन सा ए, बातें क्लियर है ना, आगे चलते अगला क्वेश्चन। ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, करा दिए गए पैटर्न पर गौर करें, उपरोक्त पैटर्न में लुप्त संख्याओं को क्रमशः पहचानें। अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, आप यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, 13 है, 17 है, 19। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 2 भी प्राइम होती है, 3 भी प्राइम होती है, 5 भी प्राइम होती है, 7 भी प्राइम होती है, 11 भी प्राइम होती है, 13 भी होती है, 17 भी, 19। अब अगली प्राइम संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे अगली प्राइम संख्या कितना 23। अब ये देखिए इनका सबका मल्टीप्लाई लिखा गया, 2 में 1 का 2, 3 दूना 6, 5 यानी 15, 7 चौक 28, 11 55, 13 6 78, 17 7 119, 19 8 153 और ये 23 नवा, तो आप यहाँ लिखेंगे 207। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन कौन सा डी, बातें क्लियर है। तो ये रहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।